कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही दूर दूर से श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी पर मां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा में स्नान करने से सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिहाज से समस्त मेले क्षेत्र को 9 जोन और 32 सेक्टर में बांटा गया और करीब 1500 का पुलिस बल मेले में तैनात किया गया। हालांकि बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। कोरोना के बाद आज मतलब पहली बार अब घर से बाहर निकले तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा इतने टाइम बाद देखने को मिल रहा है। भीड़ है, बहुत भीड़ है, पर फिर भी खैर सब दर्शन के लिए आए हैं। तो हम लोग वैसे दिल्ली से आए हैं और हमारा पूरा ग्रुप आया है और हमारे पंडित जी जो है वो हमें एक साथ लेकर आए। सेक्टर 53 नोएडा से आए हुए हैं माँ की शरण में। बड़ा खुशी का आनंद है, बड़ा कार्तिक माह की पूर्णिमा की पहली पूर्णमासी है। हम लोग नोएडा से दर्शन करने के लिए आए हैं और शास्त्रों में लिखा गया, रामचरितमानस में इस चीज का साफ साफ उल्लेख किया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, गंग सकल मुद मंगल मूला और सब सुख करन हरन सब सूला। माँ भगवती की कृपा परिवार में बने रहे, माँ गंगा सारे पापों का अपने यहाँ पे बना अपना वापस मतलब धुल लें, हमारा घर परिवार खुशहाल रहे, बस यही माता जी से कामना करने के लिए आया हूँ। मैं सर दिल्ली से आया हूँ और मेरा नाम राम मिश्रा है बेसिकली, और यहाँ पे मैं अपने साथियों के साथ और मेरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ में आया हूँ। यहाँ पे जब मैं आया था तो इतना काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, मुझे देख के इतना उत्साह हुआ कि मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है जिसपे स्नान करने से लोग, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमारे बैक जन्म के जो कुछ पाप पुण्य है वो भी हमारे जो है अच्छे हो जाते हैं और हम गंगा में स्नान करते हैं उससे हमारे को भी बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को मिलती है, इसलिए हम लोग जो है ना अपने दिल्ली से हम अपने फ्रेंड्स और सर्कल में यहाँ पे पधारे हैं।